वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिंदावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्वत्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्ति प्रमदाक्ष जगोदरुण्य धैर्यं सदा परिभवन्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पुनतपाद्भवद्विभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गोपवधूष्वदर्श पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ते साराधिका मयि कदा श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षौ विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं वागीशयस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संविहितं त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। सौमिग्रह से असंहेतु पंथा संताप वर्जिता अनवाप्त समं पूर्वे जेनो संतो प्रतस्थिरे। सौमृग्यः श्रेयसां हेतुः पंथा संताप वर्जिता अनवाप्त समं पूर्वे जेनो संतः प्रतस्थिरे। श्रुति सिति पुराणादि पंचरात्रो विधिम्बिना वैकांतिक हरेर भक्तिरुत्पातैवो कल्पते। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए, ज्ञानी भक्तों, ज्ञानी और भक्तों का दोनों का संन्यास का वितर पार्थक्य क्या है। जो वास्तविक ज्ञानी भक्तों है वो तो भक्त ही है। ये तो भगवान गीता में तेषाम ज्ञानी नित्य युक्तो एको भक्ति विशिष्वती इत्यादि चर्चा किया। लेकिन ज्ञानी जो शुष्क ज्ञानी है, मायावादी, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी, ये ज्ञानी और भक्तों ये दोनों का संन्यास का अंतर क्या है। दोनों का बीच में है संन्यास तो दोनों ही लेता है। भक्ति मार्ग पर भी भक्ति मार्ग पर भी तीदंड सन्यासी सब संन्यास ग्रहण करते हैं, और मायावादी भी ज्ञानी वो भी संन्यास आश्रम को ग्रहण करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए, जगत गुरु जे भगवत भजन ही पूर्ण संन्यास का अवस्था। भगवत भजन ही पूर्ण संन्यास का अवस्था। इस विचार से शिला भक्ति विनोद ठाकुर नित्य सन्यासी, शिवास पंडित गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी, शिवानंद सेन गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी। ये आश्चर्य की बात है। तमाम आदमी उल्टा समझते हैं, सोचते हैं कि लाल कपड़ा डंडा है, वो कुछ भी घटिया काम करे वही सन्यासी है। लेकिन उनको पता नहीं सन्यास मतलब, गीता में भी चर्चा किया था, गेहूं ही सनित्य सन्यासी जो न दृष्टि न कंखथी। गेहूं ही ये समझ लेना वही नित्य सन्यासी है जो न दृष्टि न कंखथी, जिसका अंदर में किसी का लिए कोई देश भाव नहीं है, किसी का लिए कोई प्राणी भी नहीं। ऐसे तो सन्यास लेने का बाद तमाम कीड़े मकोड़े जो है जितना सारे संतान का मुताबिक हो जाता है। ये सब चर्चा नहीं होने के कारण तमाम जगत में अव्यवस्था फैल रहा है। और अगर कोई करे तो उसको छांक दिया जाए, माने ही शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। जो अगर ऐसा बात करे, पक्का सिद्धांतों की बात करो, उसको छांक दो, अलग कर दो, वो भक्त नहीं है। हम लोग भक्त हैं। आश्चर्य की बात है। ये सब चर्चा नहीं होने के कारण तमाम दुनिया में अव्यवस्था फैल रहा है। साधु क्या चीज़ है, सन्यास क्या चीज़ है, भजन क्या चीज़ है, ये सब समझना बहुत मुश्किल इसलिए क्योंकि भगवान से कोई तो ताल्लुकात है नहीं। अगर हमारा जीवन जिंदगी का मकसद है भगवान, अगर हमारा जीवन जिंदगी का मकसद है भगवत चरण प्राप्ति करना, भगवान का सेवा प्राप्ति करना, तब तो कोई असुविधा है ही नहीं। तमाम अव्यवस्था फैल रही, इसीलिए कि किसी को भगवान से कोई मतलब ही नहीं, भगवान को कोई चाहता नहीं, भगवान को कोई चाहता नहीं, भगवान से चाहता है, भगवान को कोई चाहता नहीं, भगवान से चाहता है। यही एक मुश्किल है। इसी विचार के अनुसार अनंत ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सन्यासी कौन है, जिसका सन्यास व्रत जो है अनंत ब्रह्मांड का शिक्षा का आदर्श है, वो है श्रीमन नित्यानंद प्रभु। बाहरी दृष्टि में अवधूत सन्यासी अवधूत भाव छोड़कर महाप्रभु का इच्छा का अनुसार इच्छा करके पानी ग्रहण किए, जानवा वसुधा माँ आदमी सब जो जानता नहीं, ये लोग तो अपराध कर बैठते हैं, वो जानते ही नहीं किस कारण। लक्ष्मण जी का सन्यास व्रत है, हर वक्त सेवा करते रहते हैं। उर्मिला अपना पत्नी जो है वो तो घर में और सारा दिन खाली भगवान रामचंद्र का राम जी का सेवा, सारा जीवन ये सेवा का जो आदर्श है प्रभुपाद का ही ये विचार है। बाकी दुनिया में ये सब विचार नहीं मिलने वाला। विष्णुप्रिया देवी सन्यासी है, राधा रानी सन्यासी है, टॉप मोस्ट। अरे महाराज क्या कह रहे हो, तुम माता जी है हो क्या है, तुम तो पिताजी माताजी का भावना लेके बैठते हो। लेकिन सन्यास व्रतों के बारे में प्रभुपाद जी कह रहे हैं जे संपूर्ण सम्मक भगवत भजन ही संपूर्ण सन्यास का अवस्था। तो राधा रानी का जिंदगी में कुछ अपना तो कुछ है ही नहीं, एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भगवान का सेवा का चिंतन है। तो क्या गीता में जो भगवान बताए ज्ञो ही स्वनित्य सन्यासी जो न दृष्टि न कंकची, ये तो बोलना खुद इजी है। जो न दृष्टि माने किसी के लिए विद्वेष है नहीं। एक सन्यासी भागवत जी में बताया गया, एक जो सन्यासी वास्तव सन्यासी उसके लिए एक कीड़े मकोड़े भी अपना संतान का तुल्य है, ऐसा इक्वल साइट है। समदृष्टि तमाम दुनिया को अपना भगवान का विथ रेस्पेक्ट टू भगवान का सापेक्ष में दर्शन करता है। तमाम चीज़ों में आगे चलकर आएगा श्लोक, आगे चलकर दो चार श्लोक आगे चलकर आएगा। जो ज्ञानी भक्त क्या है, और ज्ञानी वास्तव ज्ञानी भक्त जो है वो भक्तों का ही नाम है। ज्ञान परिपक्व अवस्था में भक्ति वो नामांतर भक्ति, और कच्चा ज्ञान जो है वो तो मायावादी ज्ञान है। किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को किसी व्यक्ति को घृणा नहीं करना, ये कोई मामूली बात नहीं, एकमात्र भगवत भक्तों के लिए ही संभव होता है। किसी वस्तु किसी व्यक्ति को घृणा नहीं करना, सब भगवान का सेवा का वस्तु है। ऐसा अगर दर्शन हो जाए तो वही तो युक्त वैराग हो गया, ऑल प्रॉपर एडजस्टमेंट। जो न दृष्टि, देश कब होता है, जब नानात्व दर्शन होता है, जब डाइवर्सिफाइड दर्शन होता है, जब अद्वैत ज्ञान तत्वों से मन हट जाता है, जब अद्वैत ज्ञान तत्वों से मन हट जाता है तो नानात्व संसार डाइवर्सिफाइड जो संसार आके पीड़न करते हैं। जब अद्वैत ज्ञान तत्व से मन हट जाता है तब ये संसार का डाइवर्सिटी जो है आके कभी कभी एंजॉयमेंट देता है, कभी दुख देता है, ऐसा चलते रहता है। जो न दृष्टि न कांक्षति, आकांक्षा एकमात्र भक्तों का लिए ही ये एप्लीकेबल है। आकांक्षा किसी का नहीं है, हो ही नहीं सकता। मायावादी का आकांक्षा है, वो सबसे बड़ा जो पोस्ट है डिजिग्नेशन, ये प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट क्या है, कुछ भी नहीं। वो ब्रह्मो का जो पोस्ट है वो लेना चाहता है, छीनना चाहता है। ब्रह्मो का भगवान का जो चेयर है वो छीनना चाहता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं सबसे बड़ा कामिनी कांचन तो यही कर रहा है। प्रतिष्ठा जो सीत सबसे बड़ा अनंत ब्रह्मांड में सबसे बड़ा प्रतिष्ठा भगवान का चेयर को ले लेना, भगवान का जो कुर्सी है उसको ले लो, धक्का मार के भगवान को फेंक दो, उसका कुर्सी दखल कर लो, यही तो सबसे बड़ा प्रतिष्ठा और क्या है। और जो न दृष्टि न कांखती, ये अगर सच पूछो तो इसका एप्लीकेशन जो है एकमात्र भक्त में ही एडजस्टमेंट होता है। पूरा व्याख्या किया जाए जो न दृष्टि न कांखती, वह आकांक्षा भक्तों का अंदर में कुछ नहीं है। क्यों? एक आकांक्षा है, भगवान तुम संतुष्ट हो तो मैं संतुष्ट हूँ, आपका संतुष्टि में मेरा संतुष्टि है। चैतन्य चरितामृत तो जिन्होंने पढ़ा है वैष्णव का अनुगत्य में, गुरु वैष्णव का तत्वज्ञानी पुरुष का अनुगत्य में, तो उसको समझ में आएगा। भगवान का सुख के लिए ब्रजगोपी ब्रजवासी लोग कुछ भी कर सकता है, बस भगवान संतुष्ट हो जाए, चाहे हमारा कुछ भी हो जाए कष्ट, उसका परवाह है नहीं। ये विचार जो है जो न दृष्टि न कंखती, तो विचार करके देखो तो जितना सारे ब्रजवासी है वो तो सन्यासी है, ये केवल भगवान का चिंतन में जुटे हुए हैं सारे। कैसे भगवान को रिझाया जाए, संतुष्ट किया जाए, खान पान भोजन शयन उठन चलना फिरना सब वस्तु सब हर एक्शन में कैसे भगवान को संतुष्ट किया जाए, यही जिसका व्रत है कैसे सर्वांगीण सुखविधान किया जाए। सर्वांगीण रूप से भगवान का संतुष्टि विधान का जो प्रयास प्रचेष्टा है एकमात्र ब्रजवासी में ही दिखा जाता है। इसलिए सीधाम सुदाम वसुधाम जगत सारे सन्यासी है, क्योंकि वो भगवान का प्रभुपाद का विचार के अनुसार भगवत भजन ही परिपूर्ण सन्यास का अवस्था। लेकिन ज्ञान मार्गी हो जो अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, ये सबसे बड़ा अभिमान है। अहम ब्रह्मास्मि ये सबसे बड़ा अभिमान जो है दुनिया का अंदर सबसे बड़ा अभिमान अगर किसी का है तो ये सन्यासी मायावादी का जो अहम ब्रह्मास्मि, ये अहम ब्रह्मास्मि विचार के द्वारा एक दंडो अहम ब्रह्मास्मि ये एक दंडो ग्रहण का जो सन्यास है, ये परब्रह्म भगवान परात्पर भगवान का सेवा का परित्याग करना, यही ये लोग समझते हैं, यही सन्यासी, इसी को ये लोग समझते हैं कि सन्यासी, क्योंकि सेवा छोड़ दिया। अब सेवा किसको करे, मैं ही तो ब्रह्म हूँ, मैं जब खुद ब्रह्म हूँ तो कौन किसका सेवा करे। तो परब्रह्म परात्पर अखिलेश्वर का भगवान का सेवा परित्याग करके ये अहम ब्रह्मास्मि भाव का परिपुष्टि में लगे रहते हैं ये लोग, यही इसी का सिद्धि। लेकिन पितामह ब्रह्मा जी अपना श्लोक में 10वां स्कंद में पूरा बताया, खुलासा कर दिया। जो नीचे में पतन हो जाता है लोगों का, क्यों कि आप लोग आपका जो चरण नित्य है, भगवान का चरण नित्य है, भगवान का सेवक नित्य है, भगवान का भक्ति नित्य है, ये लोग समझता नहीं। पतति अधो अनादृत जुष्मदंग्रयो आरुज्य किच्छेन परम पदम ततः, पूरा एकदम ऊपर चले जाए अहम ब्रह्मास्मि। फिर उसका बाद पतति अधो अनादित जुस्मत अंग्रयो, आपका जो नित्य चरण का सेवा है, नित्य सेवा, इसको ठुकरा दिया, फेंक दिया, इसीलिए उसका पतन है। अर्थात पर ब्रह्म का सेवा भी परित्याग करना, ये विचार मायावादी सन्यासी का अंदर में भरपूर विराजमान है। ये सन्यास ग्रहण किया, सन्यास ग्रहण करने गया तो सन्यास ग्रहण का साथ साथ भगवान का सेवा परित्याग कर दिया। अनुक्षण अनुक्षण भगवान भगवत भक्तों का अनुगत्व में अनुक्षण भगवत भजन ही जब वास्तविक संन्यास दुर्भाग्य के कारण ये लोग समझता नहीं, ये लोगों का दिमाग में ये चीज सच्चाई घुसता नहीं। प्रभुपाद कह रहे एक कथा दुर्भागा तादेर माथा ढोकलो ना, ये तुम लोगों का दिमाग में घुसा ही नहीं, ये इतना बड़ा सच्चा चीज है। इसीलिए मायावादी सन्यासी लोगों ने भगवान का नाम रूप गुण परिकर वैशिष्ट लीला ये सबका साथ सन्यास कर दिया। बोले कुछ नहीं, भगवान का लीला मायामय है, भगवान का नाम क्या, कुछ नहीं रखा है इसमें। ऐसा करके भगवान का ये जो नाम रूप परिकर वैशिष्ट लीला भगवान का नाम सबका साथ ये लोग सन्यास करके बैठे हुए हैं अहम ब्रह्मास्मि विचार लेकर। लेकिन भगवत भक्तों का सन्यास ऐसा नहीं। भगवत भक्तों का सन्यास महाप्रभु सन्यास लेने का बात बता दिया कैसे। प्रभु कहे सन्यास व्रतो कई लोग ग्रहण, चैतन्य चरितामृत में आता है प्रभु कहे सन्यास व्रतो कई लोग हन मुकुंद सेवाय होय संसार तारण। प्रभु कह रहे हैं मुकुंद सेवन व्रतो, भगवान का चरण का नित्य सेवा ग्रहण किया। प्रभु कहे मुकुंद सेवन व्रतो कई लोग हन, प्रभु कहे सन्यास व्रतो कई लोग हन मुकुंद सेवाय होय संसार तारण। मुकुंद सेवा का व्रत जो है व्रत ग्रहण कर लिया, और यही सबसे बड़ा सक्सेस है। और भगवत भक्तों का जो सन्यास फन्यास कुछ भी है रखा, ये भुक्ति और मुक्ति कामना का साथ, भोग का भी बात नहीं है, भुक्ति एंजॉयमेंट का बात और मुक्ति का भी बात आता नहीं, क्योंकि वो लोग सेवा चाहता है। तो भगवत भक्तों का भुक्ति और मुक्ति का साथ सन्यास, काय मन वाक्यो, अपना मन काय मन वाक्यो तीनों को पनिशमेंट दिया कि भगवत भजन में लगे रहो। पनिशमेंट मतलब इसको दूसरा विषय में उलझने नहीं देते। ये कहने का मतलब है हर वक्त भगवान का सेवा में लाभ पूजा प्रतिष्ठा जो कुछ भी है ये भगवान का सेवा में लगा देते हैं युक्त वैराग्य का कारण। तो काय मन वाक्यों इसके द्वारा भगवत सेवान बतो कई लोग हन मुकुंद सेवाय होय संसार तारण। मुकुंद सेवन व्रतो अगर किसी ने ग्रहण किया वही सन्यास। सो भुक्ति और मुक्ति का साथ तो कोई लेना देना है नहीं भक्त सन्यास का। ये लोग भक्ति देवी का चरण आश्रय करते हैं। एतम समास्थाय परात्मनिष्ठा पूर्वतनिर्महर्षि अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमह मुकुंदग्नि शिव। ये भागवत का श्लोक, इसको ही बांग्ला में महाप्रभु जी ने बताए। प्रभु कहे सन्यास व्रत कई लोग हन मुकुंद सेवाय होय संसार तारण। इससे बढ़कर बढ़िया व्याख्या ये हो ही नहीं सकता। साक्षात परात्पर अखिलेश्वर भगवान जी ने बताए। ये हमारा भक्ति संप्रदाय का जो भक्ति आचार्य सब है, सब भगवान का चरण आश्रय करने का मतलब है भक्ति देवी का चरण आश्रय करना, मतलब एक पक्का साधु का शरण आश्रय करना। भक्ति देवी का चरण आश्रय करने से ही मुकुंद सेवा भगवान का सेवा का नित्य उपस्थिति, नित्य एग्जिस्टेंस भगवान का भक्ति भक्तो भगवान, भक्ति भक्त भगवान गुरु चतुर नाम बपुए हैं। ये तुलसीदास जी भी ऐसा किए कह रहे हैं। तो ये भक्ति मुक्ति के साथ तो भक्ति देवी का चरण आश्रय करके मस्ती में रहते हैं भगवान का सेवा में। ये लोग भगवान का सेवा, भगवान का भगवान नाम, ये सब का साथ संन्यास नहीं किए। याद है ना जब वल्लभाचार्य जी ने सिद्ध समीपाद का टिप्पणी उसको अपमान करने का कोशिश किए, महाप्रभु गाली दिए। महाप्रभु बोले सीधा सही बात का टीका, मानते नहीं हो तो बेश्या है, स्वामी नहीं माने तारी बेश्या मत देखो। नहीं बार बार प्रयास प्रचेष्टा कर रहा है कि अपना पंडिताई के द्वारा महाप्रभु का संप्रदाय में मैं एक जगह बना लूँ। अपना जो पंडिताई है, विद्यावत्वा है, इसके द्वारा महाप्रभु का जो संप्रदाय है, भगवान का जो अपना गोष्ठी है, महाप्रभु का तो अपना कोई संप्रदाय है नहीं, ये तो गौड़ीय गोष्ठीपति गौड़ीय भक्तवान जो भी है, गौड़ीय भक्तों में एक स्थान बनाने का प्रयास प्रचेष्टा कर रहे हैं, अपना प्रतिष्ठा। तो दोबारा आके कह रहे हैं कि भगवान का नाम ग्रहण करते हो, कि भगवान का नाम ग्रहण करना तो ठीक नहीं, क्योंकि सती देवी जो है वो कभी अपना पति का नाम ग्रहण नहीं करती है। पति का नाम लेना शास्त्र में निषेध है। महाप्रभु जी ने मुस्कुरा के कह दिया कि देखो, है तो ठीक ही बात, पति देवता का नाम ग्रहण करना निषेध है, लेकिन अगर पति जोर जबरदस्ती कहे तो मेरा नाम लेना ही भक्ति है। अगर भगवान कहे कि मेरा नाम ग्रहण करना ही भक्ति है, हैं, तन नाम ग्रहणादि भी भागवत जी महापुराण में है, भगवान का जो नाम ग्रहण करना यही भक्ति है। तो भगवान अगर आदेश करे स्वयं, तो सती देवी जो है वो भी अपना पति का नाम क्यों नहीं ग्रहण करेगी। तो ऐसा करके महाराज उसका जितना सारे युक्ति है सारे को टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक दिया भगवान। ये पागलपंथी है। भगवत भक्तों हर वक्त भगवान का नाम, लीला, परिकर, वैशिष्ट, भगवान का सेवा, इसका बारे में चिंतन में डूबे रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई ऐसा है। मायावादी लोग एक जीव एक 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 आत्मावादी, ये लोग कहते हैं कि एक आत्मावादी भक्ति मानते नहीं, सृष्टि का रहस्य भी मानते नहीं। ये कहते हैं कि ब्रह्म विकार प्राप्त हो गया, परिणामवाद, वैश्यत्व सन्मतो, अचिंत शक्ति ईश्वर जगद रूपे परिणतो, मनिजैसे अविकृतो प्रसव हेम भार, जगद रूप हय ईश्वर तबु अविकार, व्यास भ्रांत बोली सही सूत्रे दोष दिया, विवर्तवाद स्थापिया छे कल्पना करिया, जीवेर देहे आत्मबुद्धि सेई मिथ्या है, जगद जे मिथ्या नहे ईश्वर मात्र कय, नश्वर मात्र कय, नश्वर मध्य नाशवान। ये परिणामवाद स्वीकृत है गौरी वैष्णव दर्शन का। चैतन्य चैतामृत में महाप्रभु का खुद का ये प्रवचन है सनातन गोसाई के सामने। ये देखो, मायावादी कहते हैं कि भगवान विकार प्राप्त हुआ, ब्रह्म विकार। अरे ब्रह्म क्यों विकार प्राप्त हो? ब्रह्म अगर अनस्टेबल चीज़ है, ब्रह्म विकार प्राप्त हो जाए, ब्रह्म नाशवान है, ब्रह्म का कुछ पावर नहीं है, क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है, तो इस ऐसा किस्म का ब्रह्म का क्या यूटिलिटी है? हम ऐसा कोई ऐसा बुर्बक है कोई जो ऐसा भगवान का भजन करे जिसका कोई पावर ही नहीं है, अस्तित्व नहीं है, कुछ नहीं है, निर्विशेष निराकार, ऐसा कोई है? और भजन भी करे तो ऐसा किस्म का भगवान का भजन करने का यूटिलिटी क्या है? जो निर्विशेष निराकार निरशक्ति ये भजन भी करे कि क्यों करे? भजन भी करे तो क्यों करे? क्या कारण है? ऐसा माफिक भगवान का कोई भजन करे जो स्वयं विकार प्राप्त हो के एकदम, कैसा बुद्धि है, विचार करके देखना। महाप्रभु कहने नहीं, जैसे परिणामवाद दिया, परिणामवाद वो लोग मान, परिणाम हमारा शक्ति परिणामवाद, लेकिन वो लोग मानता नहीं। वो बोलते देखो, महाप्रभु युक्ति दिया, अगर स्पर्शमणि है, स्पर्शमणि का संस्पर्श में कोई लोहे का टुकड़ा रहा तो वो तो चेंज हो जाएगा। स्पर्शमणि का संस्पर्श में आए तो कोई लोहे का जो टुकड़ा है वो सोने में बदल जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोहे को समा में सोना में बदल दिया, इसका बाद ये जो स्पर्श मणि खराब हो गया, ऐसा नहीं। महाप्रभु ये उदाहरण दिया, देखो इस जगत में अगर ऐसा मिलता है कि लोहे को सोने में बदल दिया फिर भी आप अपना निर्विकार रहे स्पर्श मणि, तो क्या भगवान अगर ये हमारा इस जगत में एक वस्तु का इतना पावर है जो इतना परिवर्तन कर दिया लोहे फोहे सब, उसका बाद निर्विकार होके विराजमान है, तो क्या हमारा भगवान इससे भी फालतू चीज़ है क्या? ये तो कोई युक्ति नहीं है। भक्ति शास्त्रों में एक जीववाद, वो लोग बोलते हैं ब्रह्म ही है, एक आत्मावाद। ये बोले देखो ये पहले भी कह चुका, अलग अलग पानी का जो पात्र है उसमें एक सूर्य का अलग अलग से एक पात्रों में देखो, या तो शीशा का टुकड़ा है हजारों, एक एक टुकड़ा में सूर्य को दर्शन करो लगेगा अलग सूर्य है, लेकिन अलग अलग नहीं है। ये लोग ऐसा तर्क उठाता है कि मानो कि एक ब्रह्मचर्य के जीव फीव सब बेकार है और कुछ नहीं है, लेकिन सारे गौड़ीय वैष्णव विचार का खिलाफ है। बिल्कुल कोई शास्त्रों में, भागवत में, पुराण में, किसी जगह, वेदांत में किसी जगह एक आत्मवाद का कोई स्वीकृति नहीं हुई। भगवान व ईश्वर, ये अगर ये नाम बोला जाए भगवान या तो ईश्वर, ये निर्गुण निर्विशेष निर्विकार ऐसा समझा नहीं जाए, ऐसा समझना उचित नहीं है। अनंत शक्ति विशिष्टो, अनंत शक्ति विशिष्टो जो वस्तु है, जो अद्वैत ज्ञान तत्व है, यही भगवान है। अनंत शक्ति समन्वित तो जो तत्व है अद्वैत ज्ञान तत्व, ये अचिंत भेदावित तत्व का अनुसार यही भगवान है। भगवान का शक्ति का त्रिविध पुकार शास्त्र में बहुत बार बताया, जीव तत्व का बारे में चर्चा किया तो बहुत सारे चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। चित्त शक्ति में अंतरंगा शक्ति, अंतरंगा चित्त शक्ति, ततस्था जीव शक्ति और बहिरंगा माया शक्ति, ये है। और ये चित्त शक्ति चित्त स्वरूप है भगवान का, ये सच भगवान सच्चिदानंद स्वरूप। इसीलिए ये शक्ति का साथ भगवान का इतना प्रभाव है, ये बेसिकली तीन पार्टीशन हुआ, तीन भाग हुआ। आनंद अंश में लादिनी, शौद अंश में संधिनी, अचिद अंश में संगीत, जो पहले भी अंग्रेजी कथा में भी चर्चा की। ये आनंद ये जगत का जो आनंद है, ये अपरागिक जगत का जो लादिनी आनंद है उसका ही परवर्तित विकृत प्रतिफलन। ये दुनिया में जो स्त्री पुरुष का जो प्रेम प्रीति है, लड़का लड़की का अंदर जो कुछ भी है, ये जो लादिनी शक्ति का ये जो वो अपरागिक जो लादिनी शक्ति जो अपरागिक जगत में निष्कलंक स्टेनलेस, इसका ही परवर्टेड रिफ्लेक्शन है ये लादिनी शक्ति। और सौद अंश संधिनी, सौद माने नित्य उपस्थिति, ये संधिनी अंश के द्वारा ये भगवान का धाम आदि परिकर आदि सारे संधिनी शक्ति का प्रकटित निजीजन, भगवान का जो आवास आराम आवास जेनुई है या तो खरम, सब कुछ भगवान का लादिनी संधिनी शक्ति का सदंश संधिनी। हाँ, आर्चिद अंश संगीत, संगीत मतलब संबंध, तमाम संबंध, ये दुनिया का जितना सारे मकान बारी, जितना सारे कंस्ट्रक्शन, पूरा दुनिया जो कुछ भी है बना हुआ है, तारे ये संधिनी शक्ति का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। और चिदांश संबित ज्ञान शक्ति अपरागिक जगत में जो भगवान का साथ रिश्ता है, प्रेम प्यार है, जो कुछ भी वो संबित इसके द्वारा अनुभव होता है। भगवान का भक्ति करना, भगवान का प्यार भक्तों लोगों का मिलता है, ऐसा ही जो है संबित शक्ति, ये संबित ज्ञानमय है। इस दुनिया का जितना सारे एजुकेशन है, दुनिया में जितना सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जितना सारे ज्ञान है दुनिया का अंदर, सारे संबित शक्ति का ही विकार है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन। तो ये जो भेद एवं अभेद जो है, मायावादी सोचते हैं कि माया रूपी एक दूसरा तत्व को स्वीकार कर ले तो हमारा अद्वैत ज्ञान का इसमें व्याघात हो सकता, डिस्टर्बेंस हो सकता। इसलिए मायावादी अपना भगवान के जो शक्ति है इसको भी मानते नहीं। वो जानते नहीं भगवान चैतन्य महाप्रभु जैसे दिया है अचिंत्य भेदाभेद, इसके द्वारा साइमल्टेनियसली वन एंड द सेम एट द सेम टाइम सेपरेटली एग्जिस्टेंस ऑल्सो दिया, अचिंत्य भेदाभेद, भेद एवं अभेद, भेद डिफरेंस एंड नॉन डिफरेंस साइमल्टेनियसली पॉसिबल, ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व। ऐसा करके विचार करके जाए जो भी है। पहली शुरुआत में हमने एक श्लोक बताया, वो है सौमिग्रह श्रेयसाम हेतु पंथः संताप वर्जिता। सौमिग्रह श्रेयसाम हेतु पंथः संताप वर्जिता। ऐसा रास्ता में भगवान को ढूंढो जिस रास्ता में भगवत प्राप्ति बहुत इजी है, और आर्टिफिशियल कोई प्रोसीड्योर को अपनाओ मत, जिस प्रोसीड्योर के द्वारा भगवत प्राप्ति बहुत इजी है, जो आदि सनातन पद्धति है, जो पूर्व जो पहले का हमारा ऋषि मुनि गुरु वर्गों ने अप्रूव किया, ये सबसे बड़ा आसान है, ये सबसे बड़ा आसान पद्धति है। सौमृगः श्रेयसाम हेतु पंथः संताप वर्जित। संताप माने आसान है, कोई आपको कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, आपको कष्ट उठाने का दरकार नहीं, ये संताप वर्जित। संताप मतलब कोई कष्ट है, इस संताप उठाने का कोई दरकार ही है नहीं, इसलिए बताया संताप वर्जित। अनवाप्त तो समम, कोई उटपटांग परिश्रम का कोई प्रयोजन है नहीं, वो दिखाया हुआ, हमारा दिखाया हुआ रास्ता है, शौत पंथा है, हमारा पद्धति है। अनवाप्त समम पूर्वे जैनो संतो पथ स्थिरे, जिस रास्ते में महाजनों जैनो गतो सपंथा, जिस रास्ते में हमारा महाजन लोगों ने आगे चला, ऐसा मापे एग्जैक्टली इसी रास्ते में जाना है। कोई अगर गड़बड़ी करे अपना लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए कि तो शौत पंथा छोड़कर मायावाद विचार में प्रविष्ट हो जाओगे। जब भी स्वीकार नहीं करेगा आदमी, हम थोड़ी मायावादी है, अरे मायावादी तो है ही है, उससे बढ़ के अगर कुछ है तो थोड़ी मायावादी है। मन आपका विचार, आपका चलना फिरना, बोलना, समझना सारे मायावादी का लक्षण है। तो इसीलिए बुबा जी कहता ना जे वी आर ऑल मोर और लेस ऑल मायावादी कंटेमिनेटेड सोल। मायावाद का विचार का मूल क्या है? ये है भगवान को न, भगवान का अस्तित्व को नहीं मानना, भगवान का शक्ति को डिसमिस कर देना, अस्वीकार करना, यही तो है मायावादी। सौमिग्रहो श्रेयसाम हेतु पंथा संताप वर्जित। कोई कष्ट नहीं होगी, इसी रास्ता में चलो, इसी रास्ता को ढूंढो। सौमिग्रह श्रेयसाम हेतु पंथा संताप वर्जित। कैसा पंथा? बोले अनवाप्त समाम, महाजन अपूर्वे जैनो संत प्रतिष्ठित। जैसे पूर्वजों ने, हमारा पूर्व महापुरुषों ने धीरे धीरे दिखाया रास्ता, तो मतलब यह है कि महाजनों जैनो गतो सपंथा। हम क्या नया पंथा ढूंढने का कोशिश करें, नया नियम चलाए, ये मायावादी का लक्षण है। शास्त्र में ये बताया कि देखो सूति सिद्धि पुराण आदि पांचोरात्र विधिंग बिना वैकांतिक हरेर भक्ति उत्पात ही बगलपति। श्रुति सिद्धि पुराण आदि पंचोरात्रो विधिंग बिना, ये पंचोरात का विधान है, श्रुति सिद्धि का विधान का अलावा अलग से ऐसा कसिम का मापिक भक्ति वैकंति की हरेर भक्ति उत्पात ही वो कल्पते। ये उत्पात छोड़ के कुछ नहीं है, ये उत्पाती है, क्योंकि अपना एक नया नियम बना रहे हैं, वो अपना एक नियम बना रहे हैं, इसमें अपना नियम बना रहे, नया नियम। जबकि शास्त्र में है महाजनों जिनों को तो संबंध, महाजन महापुरुषों ने जिस रास्ते पे गया उसी रास्ता में चलो, नया पद्धति ढूंढने का कोशिश मत करो। उस दिन अंतिम समय में विचार करके फैसला किया था कैसे चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भारत सब, ये चर्चा हो गया। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्तो एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानीनो इति अर्थम अहम सच मम प्रिय। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्तो, इन लोगों में जो ज्ञानी है, वास्तव ज्ञानी जो है, ये नित्य युक्त रहते हैं। नित्य युक्त माने अनइंटरप्टेड कनेक्शन विथ मी, भगवान का साथ नाता जोड़ के रखना, ये सबसे बड़ा बात है। इसी में सारे बड़े बड़े सब इसमें मायादेवी उठा के पटक देते हैं, समझ में नहीं आता कैसे भगवान का साथ नित्य संबंध जोड़ के रखे, नित्य संबंध नित्य नाता जोड़ के रखे, कैसे संभव है। ये तो फिलोसॉफिकली इट इज़ वेरी गुड टू हियर, प्रैक्टिकली करने जाओ तो मायादेवी का लाती लात लगेगा फटाफट। तो 17 नंबर श्लोक में भगवान ने ये कह दिया कि देखो तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त हो, इन लोगों में ये जो चारों किस्म का सारे बता दिया, कौन कौन मेरा प्रिय है, कैसे कैसे भजन करता है। और अगले श्लोकों में ये भी बताया कि जो लोग मेरा चरण में प्रपत्ति स्वीकार करते ही नहीं, दुष्कृतिनो अर्जुन, ये दुष्कृति है, ये मेरा चरण में कभी भी शरणागत नहीं होते, भले ही करोड़ों करोड़ों जन्म घूमते रहे, ये अच्छा है, ये मंजूर है, लेकिन भगवान को मान ले, भगवान का चरण का कृपा को मान ले, सहारा ले ले, ये संभव ही नहीं है। कैसे संभव नहीं है, इसका बारे में हमने भगवान का किया कृपा से, गुरु वैष्णव का कृपा से चर्चा करके दिखाया। ये देखो वाकई ही ये संभव नहीं है लोग का, ये लोग कहते हैं कि ना ना ये संभव ही नहीं है, ये लोग बिल्कुल भगवत चरण में नौ माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायाया अपहृतो ज्ञाना सूरम भावमाश्रिता, इसका चर्चा हो गया। इसका बाद चतुर्विधा चारों किस्म का अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, इसका भी चर्चा हो गया। अब ये क्वेश्चन आता है इन लोगों में क्यों ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है। महाराज ज्ञानी तो बहुत खराब है, हमने सुना है मायावादी ज्ञानी ज्ञान मार्ग का, बोला ना ऐसा नहीं, ऐसा ज्ञानी के बारे में बताया नहीं, भगवान उतना बोका नहीं, भगवान ऐसा कोई ज्ञानी के बारे में बताया नहीं। ये जो ज्ञानी है ये विशेष बताया भगवान, भगवान इसका विशेष बताया। ये तेषाम, इन लोगों में ये जो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी च ज्ञानी, ये चारों में तेषाम ज्ञानी, इन लोगों में एक ज्ञानी नित्य युक्त है। और इसका ऐसा जो ज्ञानी है उसको चार किस्म का लक्षण बताया। चार किस्म का लक्षण क्या है तेषाम, ये जो ज्ञानी है, पहला है नित्य युक्त है, मेरा साहब हर वक्त नाता जोड़ के रखता है, एक भक्ति एकनिष्ठ भक्ति परायण है विशिष्यते, और ये मेरे को प्यार करता है, ये मेरे को प्यार करता है, ये मेरे से प्यार करता है बहुत, तो इसका बारे में ये चर्चा भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं जे पहले बताया कैसे कैसे चतुर्विधा भजनते माम, तो ठीक है, लेकिन चतुर्विधा आप तो जिज्ञासी अर्थार्थी चौज्ञानी, ये जो ये अपना अपना जो अनर्थ है, जो कसाय है, कसाय माने मार्किंग, इसका जो कंटामिनेशन है धीरे धीरे ये छोड़ के जब विशुद्ध भाव में पहुंच जाए तभी संभव है। ऐसा नहीं कि भगवान बताया आर्थ जिज्ञासी अर्थार्थी जो ज्ञानी ये सारे भजन करे, ये नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर विचार करके देखा, आगे अगले श्लोक में भी ये बताएगा, तेषाम इन लोगों में नित्य युक्तो नित्यो मदगत चित्तो, मेरा चिंतन में डूबे हुए हैं, एक भक्ति एकमात्र मदनुरक्त भक्ति, किसी दूसरा देव देवी में प्रपन्न नहीं होते, अज्ञानी तत्वविद तो है ही है, और विशिष्यते मंद श्रेष्ठ। क्यों बोले अहम, हम जो है ज्ञानी लोगों का अत्यंत प्रिय है, एंड शौच मम प्रिय, ये ज्ञानी लोग मेरा भी प्रिय है, मैं भी उन लोगों का प्रिय वस्तु हूँ। भगवान का जो अंतर का जो भाव है इस विषय में ये साधारण आदमी समझ नहीं पाएगा। भगवान का निजीजन जो है भक्ति विनोद ठाकुर व्याख्या कर रहे हैं कि तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त हो, ये कसाय सुनो, अगर ये चारों किस्म का आत्म जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी, इसका अंदर में जो कसाय है काम कसाय, ये कसाय सुनो व्यक्ति कसाय को छोड़कर कसाय को साफा करके समझा, भक्तों का संग में ये अपना अपना कसाय है। जैसे उदाहरण पहले भी दिया, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि स्थानाभिलाषी तपसी स्थितम, तपस्या कर रहे ध्रुव महाराज जी तपस्या करके क्या मांगता है, वजह स्थानाभिलाषी, उसको पोजीशन चाहिए, रैंक चाहिए, लेकिन अंतिम में नारद जी का संग होने के कारण आप बाद में बताए कि ना ठाकुर जी हमको कुछ नहीं चाहिए। मतलब जो कसाय था अंदर में जो स्टेन था, स्टेन कलंक था, ये मांगने का कलंक है, ये हट गया तभी भक्त प्राप्त हुआ, इसका पहले नहीं। तो ये कहने का मतलब है कसाय सुनो, जब कसाय फ्री हो जाता, कंटामिनेशन फ्री हो जाता, हृदय एकदम विशुद्ध हो जाता, क्लीन हो जाता। जैसे ध्रुव महाराज का उदाहरण दिया, काचन विचिन्न नोपी दिव्य रत्नम त्वम प्राप्तवान, काचन विचिन्न नोपी दिव्य रत्नम त्वम प्राप्तवान स्वामीन बरम न जाचे, हे स्वामी हमको बर का जरूरत है नहीं आपने बताया था, बर नहीं अभी नहीं दरकार। तो मतलब पहले स्थानाभिलाषी तपस्या स्थितम, तपस्या का शुरुआत हुई, किसीलिए भले ये तपस्या का शुरुआत इसीलिए कि ये हमको पोजीशन रैंक चाहिए, लेकिन बाद में क्लियर हो गया। देखो गजेंद्र का भी ऐसा पकड़ो, आर्तो जिज्ञासु का अर्थार्थी ज्ञानी, सारे एक एक करके उदाहरण उस दिन भी दिया था। तो तेषाम ज्ञानी, इन लोगों में ज्ञानी श्रेष्ठ हो, लेकिन ये ज्ञानी जो है ये मायावादी ज्ञानी के बारे में बता नहीं, ये जो ज्ञानी श्रेष्ठ बताया तो आपने बोल शुरू कर दोगे बोलना, प्रवचन देना, ये तो भगवान बोल दिया तेषाम ज्ञानी नित्य ज्ञानी श्रेष्ठ है, नहीं, ये जो ज्ञानी है तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त हो, एक भक्ति विशिष्य थे। पहला बात तो ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताए कषाय शून्य मैंने स्टेनलेस अवस्था में पहुंच जाए तो, स्टेनलेस अवस्था में पहुंच जाए तो आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी मतपर होके भक्त बन जाता है, मेरा भक्त का संग में भक्त बन जाता है। लेकिन फिर भी जो कुछ भी हो, इन लोगों में ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान कसाय परित्यक्त पूर्वक पहले से योग ज्ञान का विचार बना रहा था ये ज्ञानी भक्त जो है हर वक्त चिंता करते रहते हैं, किंतु तन्मुद्दे भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान कसाय, ज्ञान कसाय क्या है? ज्ञान कसाय माने चित वस्तु का अनुसंधान करते करते भगवत भक्त को संग लाभ किया, शुद्ध ज्ञान लाभ करके बस भक्ति योग युक्त होकर तीन प्रकार का जो भक्त का ग्रेड है इससे भी बढ़कर है, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी, इससे भी बढ़कर, क्योंकि ज्ञानी पहले से ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है और फिर इतना ही नहीं, ज्ञान का अनुशीलन करते करते चीज अनुभव किया भी है। और इसमें अगर ज्ञान कसाई मतलब निर्विशेष ब्रह्मवाद का कोई गंदगी नहीं है तो हो गया। तीन प्रकार भक्तों में ज्ञानी को श्रेष्ठ इसलिए बोला गया क्योंकि तन्मध्ये ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान कसाय परित्याग पूर्वक शुद्ध ज्ञान लाभ करके भक्ति योग युक्त होकर दूसरे तीन किस्म का जो है आर्थो जिज्ञासी अर्थार्थी, ये लोगों से आगे, वो लोगों से भी आगे बढ़ने का हिम्मत रखता है। कहने का मतलब है जे स्वभावतः जनरली यूजुअली ज्ञान अभ्यास के द्वारा चैतन्य स्वरूप जीव का जो स्वरूप लाभ जितना विशुद्ध हो पाता है जल्दी, और कर्मी लोगों का कर्म कषाय, काम करने का वासना, कर्म फल आदि प्राप्त करने का इच्छा, मतलब ज्ञान अभ्यास के द्वारा चैतन्य स्वरूप जीव स्वरूप लाभ करो तो लाभ करके अगर व्यवस्थित हो जाए, ये जितना इजी है कर्मी ज्ञानों का कर्म कषाय ये हट जाने का बाद भी उतना इजी नहीं है। कर्मी ज्ञानों का कर्मार्पण भी करे अगर शुरू, फिर भी उतना जितना ज्ञानी लोगों के लिए स्वाभाविक हो जाता है, तो भक्त तो ऐसा कर्मी गणों का कर्म कसाय शून्य होकर स्वस्वरूपावस्थिति इतना विशुद्ध नहीं हो पाता, होता है लेकिन इतना विशुद्ध नहीं हो पाता क्योंकि इसमें कारण है बहुत। ज्ञानी व्यक्ति तो पहले से ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है, ये लोग का अनुशीलन का बाद उसका बाद ज्ञान में अधिष्ठित होगा, बाद में वो ज्ञान भी कितना प्योर हो पाएगा ये डिपेंड करता है वो उसका मूड कैसा है, उसका मूड कैसा है। कर्मार्पण किया, कर्मी कर्मार्पण करके बचना चाहता है, वो कितना स्वाभाविक रूप से संपन्न होता है। साधन अवस्था में उक्त चार प्रकार का अधिकारी का बीच में ज्ञानी भक्तों मेरा सर्वश्रेष्ठ विशुद्ध दास, अरे हाँ ये मेरा प्रिय है, मैं भी उसका प्रिय हूँ। जैसे उसका उदाहरण दिया शुकादि भगवत ज्ञान स्फूर्ति, यह उदाहरण भगवत ज्ञान का स्फूर्ति भक्ति में ठाकुर दिया है। ये वैषदेव, ये जो वैषदेव का लड़का ये जो नाटक करके आया है, वैषदेव का लड़का ये तो नाटक रचाया, और शुकदेव गोस्वामी का बारे में बताया गया सुकादि भगवत ज्ञान स्फूर्ति या उदाहरण स्थल। शुद्ध ज्ञान लब्धो भक्तों गणों का साधन कालीन भगवत कैंकर, जो भगवान का सेवा करने का जो भाव है, विशुद्ध चिन्मय जड़ोगंधो, विशुद्ध चिन्मय, इसमें जड़ो गंदगी प्रवेश नहीं कर सकता। बलदेव विद्याभूषण जी भी ऐसा ही बहुत सारे व्याख्या की हैं। बलदेव विद्याभूषण जी कह रहे हैं कि सर्वज्ञ और अनंत शक्ति संपन्न मैं हूँ, और मेरा साथ इसका इतना सुंदर संबंध बन जाता है, मैं इसका प्रिय हूँ, प्रिय वो भी मेरा प्रिय है। जो लोग ऐसा किसी मेरे को भजन करता है, हम भी इसका प्रिय हूँ, वो भी मेरा प्रिय है, ऐसा करके। क्यों? बोले ज्ञानी लोगों का हृदय में, ज्ञानी गणों का हृदय में हम हर वक्त रहते हैं, अर्थात ज्ञानी व्यक्ति लोग जो है हर वक्त मेरा साथ नाता जोड़ के रखता है हर वक्त। तो ये ज्ञानी जो है ये साधारण कुछ नहीं है, साधारण कुछ नहीं है। सीधा स्वामी जी ने बताया सर्वदा भगवान निष्ठो। ये ज्ञानी नित्य मुक्तो, नित्य मुक्तों का बारे में सीधा स्वामी पाद बताए कि सर्वदा भगवान निष्ठो। और चक्रवर्ती पाद जी ने बताया नित्यो हमारा साथ युक्त है, ऐसा मापी ज्ञान ज्ञानाभ्यास है वशीकृत चित्तो, ज्ञानाभ्यास के द्वारा वशीकृत चित्तो हो, वशीभूत कर लिया चित्त वित्त को। विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि नित्यो हमारा साथ जोग युक्त होके रहता है, ऐसा। तो ये जो ज्ञानी भक्त है इसका विशेष क्या है? चार किस्म का विशेष है। एक है नित्य युक्त है मेरा साथ, एक है एक भक्तिमान, मतलब दूसरा कोई देव देवता में आस्था नहीं रखने वाला। मेरा श्याम सुंदर आकार, भगवद आकार में लोग अत्यंत प्रिय है। और 4 नंबर कंडीशन है ये भगवान का भी, भगवान उसका प्रिय है, ये भी भगवान का प्रिय, ये भी भगवान का अत्यंत प्रिय बन के बैठा हुआ है। क्योंकि ये श्लोक में ज्ञानी भक्तों का अपना आर्थिक विनाश करने का कामना नहीं है। कोई अगर इंटरप्शन हुआ, भगवान भजन करते करते बीच में अन्ना अभिलाष पैदा हो गया और कोई मुसीबतें आन पड़े, उसका बाद छुटकारा मिलने के लिए प्रार्थना करे भगवान के चरण, ये है इसमें द्वितीय विनिवेश है। द्वितीय विनिवेश है, द्वितीय विनिवेश का कारण भगवान से मन जो है थोड़ी समय के लिए हट जाता है। हो सके कि हर समय भगवान का चिंतन ठीक है, लेकिन बीच बीच में हट जाए। तो ये श्लोकों का अंदर उक्त ज्ञानी भक्तों का अपना कोई आर्थिक नाश, हमारा कोई अभाव अभियोग, कोई शॉर्टेज, कोई डेफिशिएंसी का बारे में, कोई असंतोष डिससेटिस्फेक्शन का बारे में कुछ भगवान को बताने का कोई इच्छा ही नहीं। इस श्लोक में उक्त ज्ञानी भक्तों का आर्थिक विनाश करने का, अपना आर्थिक विनाश करने का कोई वासना नहीं है, इसीलिए भगवान का साथ युक्त है। आरती आना संभव ही नहीं है इन लोगों के अंदर में, ऐसा है। अब ये आगे चलकर आगे श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जे देखो कोई अगर प्रश्न उठा सकता है तो क्या भगवान ज्ञानी भक्तों की प्यार करता है और बाकी भक्तों को उतना नहीं कुछ करता है? ऐसा अगर प्रश्न आए तो क्या भगवान ज्ञानी भक्तों की प्यार करे और हम लोगों को नहीं? ना, ऐसा बात नहीं। ये समझाने के लिए भगवान कह रहे हैं कि उदारहा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। कैसा? भले उदारहा सर्व एवैते ज्ञानी तू आत्मैव मे मतम आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवा अनुत्तमं गतिम। ये लोग सब मेरा प्यारा है, ऐसा कोई गुंजाइश है नहीं। ये लोग सारे मेरा प्रिय है, ऐसा नहीं कि आर्तो जिज्ञासु और तत्व ज्ञानी ये सारे मेरा प्रिय है, ऐसा नहीं। कि भगवान का उदारहा मतलब महत है, जिसका हृदय में कोई कंडमनेशन नहीं है, महत है भगवान का साथ। किंतु भगवान बताए ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी भक्तों जो है मेरा आत्मा स्वरूप है। ज्ञानी व्यक्ति जो है हमारा आत्म स्वरूप है, ये मेरा अभिमत है, ये मेरा ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन तो ये है कि ज्ञानी भक्तों मेरा आत्म स्वरूप है, ये मेरा ओपिनियन है। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है मदगत चित्त होकर सर्वोत्तमा गति स्वरूप आमा की आश्रय को था। क्योंकि मदगत चित्त होकर एक भक्ति बोला ना, दूसरा कोई चिंता इसके अंदर में है ही नहीं। तो मदगत चित्त होकर सर्वोत्तमा गति स्वरूप जो मैं हूँ, मेरे कोई आश्रय करके ये लोग अनुक्षण हर वक्त मेरा साथ कनेक्शन जोड़ के रहता है। इसीलिए भगवान बताए दूसरा कोई जो है वो दूसरा तीन किस्म का वो मेरा प्यारा नहीं, ऐसा नहीं। ये सारे के सारे उदारा सर्व एवैते, सर्व एव एते जनः उदारा। ये सर्वे सब जितना सारे है, सारे बताएं हम सारे कित तो है, उदार है। उदारहा सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। क्यों बोला? आस्थित साहि युक्तात्मा ममेवा अनुत्तमां गतिम। और मेरे मुझ में ही मोह रहता है, मेरा चरण में उसका जो दिल है समाहित तो रहता है। उदारहा सर्व एवैते ज्ञानी तू आत्मैव मे मतम। ज्ञानी मेरा आत्मसदृश है स्वरूप। आस्थित स ही ऐसा ज्ञानी उपस्थित रहता है, प्रतिष्ठित रहता है। युक्तात्मा ममेव अनुत्तमं गति, हर वक्त मेरा साथ जोग दुख तो रहता है और मेरे को ही प्राप्त करता है। अंतिम में मेरे को ही प्राप्त करता है। यहाँ विचार करने जाए तो ये आता है पूर्व श्लोक में भगवान बताए कि ज्ञानी भक्तों को प्रियो बताया। कोई अगर समझे कि दूसरा भक्त लोग जो है तीन किस्म का ये प्यारा नहीं है, इसका उत्तर हमने दे दिया, ठीक है। भगवान बताए बाकी सब भी उदारा ही हैं, उदारा सर्व एवैते, ठीक है, ये बात समझ लिया। लेकिन ये सुनना जरूरी है कि भक्तों क्यों सबसे प्यारा है और दूसरों लोगों दूसरा जो तीन किस्म का है उन लोगों में खोटा क्या हो सकता है, ये देखने जरूरी है। पहले बताया भगवान क्यों बोला, ये मेरा आत्म सदृश है, युक्त आत्मा मदगत चित्त है, ये बताया आत्म एव आत्मस्वरूप है ज्ञानी भक्तो, ठीक है, समझ लिया। बाकी जो है वो क्यों नहीं, उतना प्यारा क्यों नहीं है? इसके कारण है पूर्व जन्म का सुकृति का अनुसार आदमी का जो वर्तमान स्वभाव है ये बनता है। पूर्व जन्म का जो सुकृति है, सुकृति छोड़कर आर्त आदि जितना सारे आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ये जो है ये पूर्व जन्म का सुकृति ना हो तो ये लोग मेरा भजन नहीं कर सके। सुकृति जरूर है। और मद विमुख मेरा विमुख जो जीव सब है, ये कामना वासना का वशीभूत होकर अन्य देवता आराधना करे। दूसरा किस्म का जो देवता लोग है ये लोगों का आराधना में लगे रहते हैं, लोग कामना वासना है। कामय स्तोय स्तोय हितो ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता आगे चलकर आएगा। ये लोगों में जो जो व्यक्ति आर्तादि सखाम, ये लोगों में यादेर अपेक्षा ये लोगों का, क्योंकि कामादि काम प्रेरणा में, काम प्रेरणा से जो अलग अलग देव देवता का पूजन करना शुरू कर दे, मत विमुख जो मेरा विमुख है, जीव समूह कामना का वशीभूत होकर दूसरा देव देवियों का अर्चन शुरू करे, आराधना शुरू करे। कामय स्तोय स्तोय हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, ये सब आएगा आगे चलकर। इन लोगों से सबसे अच्छा है, ये लोगों से तो कम से कम अच्छा है, ये लोगों से कम आता आर्तार्दी सकाम हो सके। आर्तो व्यक्ति उसका अंदर में सकाम है, आर्तो है, आर्तो है, जिज्ञासु है, कुछ भी हो, लेकिन ये आर्तादि, आर्तादि मतलब आर्तो जिज्ञासु आदि। तो ये जो भक्तों का ग्रेड है, ये लोगों में ये जो आर्तादि सकाम है, ये लोगों का अंदर सकाम है, कामना वासना है, और कामना वासना का छोड़ दिया। चित्त कसाय मतलब कोई स्टेन जो है, कलंक जो है, पूरा एकदम सफा हो गया तो होगा ही, भगवान का भजन में लगे रहेगा पूरा। भगवान कम से कम कह रहे हैं कि ये जो कामना वासना का वशीभूत होकर जो देवता लोग का पूजन करे, इससे तो बढ़कर ये है कि आरती व्यक्ति सकाम होकर मेरा आराधना करे, क्योंकि कम से कम तो दूसरा देव देवता का आराधना तो नहीं कर रहा है ना, कम से कम तो दूसरा देवदेव का अर्चन नहीं कर रहा है। ये लोग अतिशय सुकृतिशाली और भाग्यवान है, तकदीर अच्छा है। और हमने ये सब श्लोक का चर्चा किया, व्याख्या भी किया, चर्चा व्याख्या किया। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारुधि तीव्रेन भक्ति योगेन जजित पुरुषम परम, ये सब चर्चा हो गया। विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखा उदारधि सुबुद्धि काम रहित व काम सहित, बिना काम व काम लेकर, कुछ भी करे भगवत विषयत्व ही सुबुद्धि चिन्ह। ये इसका सुबुद्धि क्यों बताया गया, इसका सिम्टम अच्छा बताया गया क्यों? पहले अच्छा तो इसलिए है कि कम से कम दूसरा देवदेवता, दूसरा देवदेवता का आराधना करने के लिए तैयार नहीं है। सुबुद्धि इसीलिए है कि कम से कम तो महाराज जो दूसरा कोई देवदेवता का पीछे नहीं है, जो भी मांगे भगवान से मांगे, जो भी खोए तो ठीक है खोए। अकामः सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारुधि तीव्रेन भक्ति योगेन जजेतो पुरुषोत्तम। इसमें एक सुविधा है, कामना वासना अगर है तो फिर भी भगवान का भजन करे तो शीघ्र ही उसका अंदर में जो खोटा है, जो डिफेक्ट है, जो स्ट्रेन है, सारे हट जाएगा। यहाँ तक भी भगवान बोला जो निषिद्ध कर्म अगर कर लिया, मेरा भजन करना शुरू कर दिया और बीच में मेरा ही भजन करे, लेकिन बीच में निषिद्ध कर्म कर दिया, ये उचित नहीं है। फिर भी इसका लिए प्रायश्चित करने का कोई विधान नहीं है, क्योंकि ये मेरा भजन कर रहा है। तो इसलिए भगवान भागवत जी में पुराण में प्रतिज्ञा करके बता दिया जे अगर कोई कुछ होगी भी या कुछ खराब हो गया, फिर भी हम इसका हृदय में घुसकर, मेरा भजन करता है ना, तो इसका हृदय में घुसकर इसका दिल साफा कर देंगे। धुनोति सर्वम हृदि सन्निविष्टो, यहाँ बताया भागवत जी महापुराण में जे विकर्म जच्चो उत्पत्तिदम, अकर्म नहीं। अकर्म मतलब जो कर्म है वेद विधान, वेद विधान का अनुसार, वेद विधान का अनुसार कर्म करना ये कर्म है। वेद विधान का अनुसार कर्म नहीं करना ये अकर्म है। अब विकर्म है, वेद में जो लिखा है उसका विपरीत कर्म, विकर्म। तो इधर भगवान भागवत जी महापुराण में बताया अगर ऐसा माफिक मेरा भक्त है जो मेरे को ही भजन करता है, तो ऐसा में भी भक्तों का अंदर में अगर अचानक कोई बाई चांस ऐसा कोई घटिया काम हो गया तो इसका लिए इसको प्रायश्चित करने का दरकार नहीं। क्यों? वजन विकर्मो जच्चो उत्पतितम कथंचित, विकर्मो जच्चो उत्पतितम कथंचित धुनोति सर्वम हृदिशन्विष्ठो। अगर खराब काम भी कर लिया तो मैं इसका अंदर में घुसकर उसका मैं तो पूरा उसको साफा कर देंगे, क्लियर कर देंगे। ऐसा इसीलिए बोला कम से कम ये लोगों तो अच्छा है। सुकृति मन तो मतलब भगवान छोड़ के किसी देवता का पीछे भागने का कोई बुद्धि है नहीं। और जो अनन्य चिंतन जी ये नामांग पर जुबा सते उसका तो कहना ही क्या है। जो अनन्य चिंतन तो जय जना माम परजुबास थे इसका तो कहना ही क्या। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम जो गोखेम बाम्य हम, इसके लिए तो जो गोखेम भगवान ग्रहण करे कितना सुविधा है। देखो कोई दिक्कत नहीं होगी। और गीता का जो श्लोक का मिसयूज करके आदमी, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया, देखो ये लोग कभी कभी ऐसा भी करता है, ये सब जो नाजायज फायदा लेता है। अरे ये लिखा हुआ है भगवान ऐसा करे, ऐसा कर देंगे, कोई अपराध नहीं होता है। भक्ति विनोद ठाकुर करे ये लोग क्या करता है, ये सब श्लोकों का नाजायज फायदा लेकर अपना जो घटिया चरित्र है, अपना जो एंजॉइंग मूड है, उसको समाधान करता है। ये लोग बहुत चतुर है, लेकिन कौवा का माफी चतुर है। ये चालाक है, चतुर है, अपना सुविधा का हिसाब लगा रहा है और बोल रहा है भगवान बोला है तो कि क्या खराबी है, हो गया। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने आगे चल के विचार हम देखेंगे, अभी नहीं है। जो भगवान ने कह दिया, देखो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि कोई अगर रिपीटेडली घटिया काम करे, वो तो लिखा हुआ है भगवान घटिया काम कर लेंगे, कोई प्रायश्चित नहीं, ऐसा नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर ने बड़ा होशियार, जानते हैं कि आम आदमी इतना बदमाश है, इतना अकलमंदी है कि उल्टा व्याख्या करे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर पहले से व्याख्या करके रख दिया। बोले देखो कम से कम जिनका अंदर में घटिया काम करने का कोई वासना है ही नहीं, जिसका अंदर में घटिया काम करने का वो इच्छा ही नहीं बचा, लेकिन कर बैठा। पर कैसे कर रहा, ये भी होगा, भी कोई होता है? हाँ होता है। घटिया काम करने का कोई इच्छा नहीं, अचानक हो गया, कैसे होता है? भले महाराज जन्म जन्म से ऐसा घटिया काम करते 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 एक कसाय है, उसका अंदर मार्किंग है, गंदगी है, थोड़ा सा इसे कर दिया। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने उदाहरण दिया, जो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, ये मूव जैसे फैन है, पंखा, वैद्युतिक पंखा, और उसको स्टार्टिंग करो तो चलते रहेगा, और बुझा दो, स्विच ऑफ कर दो तो ये चलते ही रहेगा। मानो स्विच तो ऑफ कर दिया, फिर क्यों चल रहा है? बोले चलेगा। इसका नाम है इनर्शिया। जो लोग फिजिक्स पढ़ा है वो जानते हैं इनर्शिया। इसका जो मोमेंटम है, ये इनर्शिया का कारण जो पहले का गति है, एक गति चलते चलते फिर रिटार्डेशन आएगा, कमती कमती होके बाद में स्टैंडस्टिल अवस्था में आ सकता, लेकिन अब नहीं आ सके, क्योंकि वो तो चले, उसका अंदर में रिटार्डेशन है। पहले का जो गतिवेग है, वो गतिवेग चलते 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 फ्रिक्शन के द्वारा धीरे धीरे स्टैटिक अवस्था में आ सकेगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ये उदाहरण देके कह दिया कि देखो जैसे एक पंखा को चला दिया, रिटार्डेशन है, वो चलते 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 आगे चल के इसका गति जो है ये स्टैंडस्टिल हो सकता है, लेकिन अभी नहीं। ऐसा माफी कोई भक्त हो भगवान का भजन करना शुरू कर दिया, कुछ भी किया, सब कुछ कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसका अंदर में बहुत पहले का जो संस्कार है, उस संस्कार कभी कभी उसका अंदर में झांकी मारता है। पहले का संस्कार झांकी मारता है कभी कभी, और अचानक से कुछ हो गया तो इसका लिए तो कोई बात नहीं, आदमी तो घृणा करेगा जरूर, लेकिन इसका लिए कोई बात नहीं अचानक। लेकिन जिसका अंदर में कामना वासना का पूर्ति करने का पूरा स्वभाव बना हुआ है, अचानक हो गया ऐसा नहीं, उसका अंदर में बहुत बार गलती कर चुका, बहुत बार आगे भी चल के बहुत गलती करने वाला है, बहुत भी पहले भी किया है, बहुत लड़कीबाजी बहुत सारे की, ये नया नहीं है। ये नाम भी करता है महाराज, नाम करता है, इसका नाम नाम नहीं है, नाम अपराध है। ये जानता है कि नाम का सहारा लेके मैं कुछ भी करूं तो नाम खमा नहीं, ऐसा का करने जाओ तो पखंडी बन जाओगे, ऐसा अगर करने जाओ तो पखंडी बन जाओगे, ऐसा नहीं करना। इसमें क्या होगी, भले इसमें सबसे बड़ा नाम अपराधी हो जुन जाएगा, और नाम अपराधी को भगवान कभी क्षमा नहीं कर सकता, सबसे बड़ा डेंजरस है। जो सब साधु नाम परायण हैं, ये लोगों को थोड़ा अपमान कर दिया जानते अजानते में, ये जो नाम आचार्यों का चरण में अपराध करना सबसे बड़ा है। नाम प्रभु का चरण में, नाम आचार्यों के चरण में, नाम भजन करने वाले साधु के चरण में सबसे बड़ा डेंजरस है। तो नाम का सहारा लेके मैं पुनः पुनः रिपीटेडली हम पाप करते रहे, अपराध करते रहे, ऐसा ठीक नहीं है। ये सबसे बड़ा पखंडी बन जाएगा, सख्त माना है। और चैतन्य चरितामृत में है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सुबुद्धि यदि होय गाढ़ो भक्ति योगे तबे कृष्ण ने भजाए, वो जो अकाम सर्व काम होगा। ये श्लोक का बंगला अनुवाद कितना सुंदर, देखो एकदम एक्यूरेट। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सुबुद्धि यदि होय, उसका अंदर में अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो गाढ़ा भक्ति योग के द्वारा कृष्ण के चरण को भजना करता है। सवा सुबुद्धि, जैसे हमारा प्रभुपाद जी और गुरुवर्गों ने बताया, ये अजामिल जो है, अजामिल तो इतना बदमाश है, लेकिन अजामिल शुद्ध बुद्धि, उसका बुद्धि उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड ध्रुव महाराज जी का बुद्धि आरती हो सके, आरतो नहीं जिज्ञास अर्थार्थी है। द्रौपदी भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जिज्ञासु में परीक्षित महाराज का अंदर भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और शोभरी ऋषि जो है, शोभरी ऋषि, इसका अंदर में कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जजाति का अंदर में कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कॉम्प्लिकेशन होने से मुश्किल है। अरे ठीक है, गलती हो गया, क्या करे, लेकिन कॉम्प्लिकेशन अगर हो तो इसका क्षमा नहीं हो सकता। जजाति का समाधान हो गया, शोभरी ऋषि का भी समाधान हो पाएगा, और जजाति की भाभी। तो इसीलिए सुबुद्धि यदि हो, इसका बुद्धि अगर अच्छा है, अगर कॉम्प्लिकेसी है, उसको हम नाजायज फायदा लेंगे तो हो गया छुट्टी। भुक्ति मुक्ति सिद्धिगामी सकली अशांत, ये जो भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकली अशांत, सब अशांत है। क्यों? इसका अंदर में बेचैनी हर वक्त बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि भुक्ति जो ये जो है, इसका अंदर में बेचैनी, भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकली अशांत, क्योंकि भुक्ति मुक्ति, भुक्ति मुक्ति माने मुक्ति चाहता है, भुक्ति भोग करना चाहता है, सिद्धि कामी सिद्धि चाहता है, सब अशांत है। क्योंकि कामना वासना से पड़े जाए, कामना वासना से आगे चले, बिल्कुल कामना वासना शून्य हो जाए, तभी शांत हो सकता है, तभी शांत हो सकता है। कामना वासना जब तक रहे, मुक्ति भुक्ति सिद्धिगामी, भुक्ति मुक्ति सिद्धिगामी हमारा चैतन्य चरितामृत में है। भुक्ति मुक्ति सिद्धिगामी सकली अशांत हो, दे आर रेस्टलेस, बेचैनी है। क्यों? इसका अंदर में कामना वासना है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, कृष्ण भक्त निष्काम है, शांत तो किस लिए है? बोले शांत तो जरूर होंगे क्योंकि ये लोग निष्काम है, कोई कामना वासना है। तो कामना वासना ही जितना मुश्किल का जड़ है। मुश्किल काम लागे कृष्ण भजे पाए कृष्ण रसे, काम छाड़ी दास होते हयो बिलासे। ये चैतन्य चरितामृत में बताया है, काम लागी कामना वासना को सामने रखकर हरि भजन शुरू कर दिया, भगवान का ही भजना करना शुरू कर दिया। लेकिन जब कृष्ण भगवान का चरण का रस प्राप्त हुआ, काम लागे कृष्ण भजे पाए कृष्ण रसे। कृष्ण भजन में क्या मजाक है, क्या आनंद है, क्या रस है। अगर थोड़ा सा भी एक बूंद भी चख लिया तो तुरंत काम छोड़ के कृष्ण का दास होने के लिए अर्थात भगवान का भजन करने के लिए, सेवा करने के लिए अभिलाष पैदा होता है। काम छाड़ी दास होते हय अभिलाष। ऐसे भी तो शास्त्रों में ये युक्ति उस दिन भी बताया था। भक्ति दो किस्म का, एक है प्रधानीभूता, एक केवल। प्रधानीभूता जो है इसमें अपना मकसद को आगे रखते हुए भक्ति कर रहा है, ये प्रधानीभूता है। भक्ति का प्रायोरिटी इसमें नहीं है। इसमें जो जो कामना वासना लगे उसका प्रायोरिटी है। ज्ञानी का ज्ञान, कर्मी का कर्मों का प्रायोरिटी है। भक्ति तो कर रहा है लेकिन प्रायोरिटी नहीं है, भक्ति इसका प्रायोरिटी नहीं है। तो प्रधानीभूता और केवला दो किस्म का। और रूप गोस्वामी बात का जो स्टैंडर्ड बातें हैं रसामृत सिंधु में, जो अन्नाभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम, उत्तम भक्ति का यही विचार है। और पंचम स्कंद से देवता लोगों का जो प्रार्थना है, देवता लोग कह रहे हैं कि कृष्णों को किसी ने प्रार्थना किया, ठाकुर जी हमको ये चाहिए। कृष्णों प्रार्थित तो होकर मनुष्य गणों का, देवता गणों का प्रार्थना पूर्ति करते रहते हैं। ये सच्चा बात है, किंतु ऐसा किस्म का अर्थ तो भगवान नहीं देते जो अर्थ प्राप्त करने के बाद उसका पूरा तमाम जो जिंदगी बेकार हो जाए, ऐसा नहीं देते। तो इसलिए जो वो खेम बहम में हम ध्रुव महाराज जी को अपना पूर्ति हुआ, प्रहलाद महाराज जी का पूर्ति हुआ, प्रहलाद महाराज जी का वासना है। प्रहलाद महाराज जी का कोई वासना नहीं है, ध्रुव महाराज जी का वासना है, फिर भी चलो। सो कृष्णों का चरण में कोई प्रार्थना करे तो जरूर भक्त लोगों का प्रार्थना तो पूर्ति करते ही रहते हैं। किंतु भगवान ऐसा किस्म का अर्थ देना नहीं चाहता है जो प्राप्ति करने का बाद ये खराब हो जाए, उसका जिंदगी बेकार हो जाए, ऐसा किस्म का अर्थ नहीं देता है भगवान। जो प्राप्ति करने के बाद नया नया ब्रांचेस ऑफ डिमांड, नया ब्रांचेस ऑफ डिमांड खुल जाए, ऐसा नहीं देता भगवान। इसीलिए देवता लोग कह रहे हैं कि सत्यम दृशति अर्थितम अर्थितो नृणाम नैवार्थदो यत् पुनर्र्थितो अर्थिता यतो। भगवान ऐसा कृपा करता है जिसका बाद कामना वासना बचता नहीं, कामना वासना बाचेगा नहीं, ऐसा कृपा भगवान भरपूर कृपा कर दे। सत्यम दृशति अर्थितम अर्थितो नृणाम नैवार्थदो यत् पुनर्र्थिता यतः स्वयं विधत्ते भजताम इच्छा पिधानम। स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छा पिधानम निजपाद पल्लवम। क्या बताया? भैया सत्यम दृशति अर्थितम अर्थितो नैनाम नैवार्थदो यत् पुनर्र्थितः अर्थिता यतो स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छा पिधानम निजपाद वल्लभम। भगवान ऐसा कामना वासना का पूर्ति करना नहीं चाहता है कि जो कामना वासना प्राप्ति करने के बाद उसका बेचैनी और बढ़ते चलेगा, ऐसा नहीं देता है भगवान। क्या करता है? अपना चरणामृत देकर, अपना चरण पद छाया पाद पद्म दान करके स्वयं उसका कामना का जो शांति है ये शांति कर देते, भगवान शांति कर देता है। जैसे कामना वासना पैदा ना हो। चैतन्य चरितामृत में हमने देखा है वेदव्यास के कृपा के द्वारा सुखदेव लीलादि सुखदेव श्री लीलादि स्मरण कृष्ण गुणाकृष्ट हये करे भजन नव जोगीश्वर जन्म हिते साधक ज्ञानी विधि शिव नारद मुखे कृष्ण गुण सुनी गुणाकृष्ट हइया करे कृष्णेर भजन एकादश स्कंदे तार विवरण। सुखदेव गोस्वामी पहले परिनिश्चितोपि निर्गुण ने स्वयं बताए हम तो परिनिश्चितोपि निर्गुण है, निर्गुण ब्रह्म में तो बात गृहीत चेतसा। भगवान का जो अपराकृत तो गुणावली है, लीलावली है, इसका जो अनोखा विचार है, अनोखा आनंदमय, ये सब सुनकर जब मेरा दिल पिघलना शुरू कर दिया तो हम बोले हम भी भोजन करें। गुणाकृष्ट हइया कर कृष्ण भजन। भगवान का आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथा उपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकिं भक्तिम इत्थम मुतो गुणाहरि। ऐसा मापिक भगवान में गुणावली है जो कोई भी हो वो खिंचावट से बच नहीं सकता। और भक्ति मिलना है तो भक्तों से ही मिलता है। भक्ति मिलता है भगवत भक्तों से, किसी दूसरा जगह से मिलता नहीं। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न पुरी जाए थे, बृहद नारदीय पुराण में ये प्रमाण है। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगीनो तो कर्म मिश्रा भक्तो जो है, ज्ञान मिश्रा भक्तो जो है, भजनकारी व्यक्ति अगर तकदीर अच्छा है, भाग्य उसका भाग्य अगर फेवरेबल है, यदि अगर दस रस भक्तों का कोई संग हुआ तो इसे दस प्रेम लाभ करें, ऐसा लिखा है। जैसा जैसा भक्तों का संग हो उसका प्रभाव पड़ेगा जरूर। केवला भक्तिर फल केवला भक्ति। अगर कहीं कहे कि भक्ति करे तो उसका नेट प्रॉफिट क्या है, तो भक्ति जो आप वास्तव भक्ति करना शुरू कर दे वो इसलिए करे कि भक्ति कैन बिगेट भक्ति। जैसे मनी कैन बिगेट मनी, रुपया से रुपया लाओ, यहाँ भक्ति से भक्ति लाओ। यहाँ दूसरा कोई कामना वासना है नहीं, ध्यान देना इस बात पर। इसमें दूसरा कोई कामना वासना नहीं। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न परिचाय थे। भक्ति लेकिन भगवत भक्त संगों के द्वारा ही प्राप्त होना संभव है, दूसरा किसी जगह भक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है। कर्म मिश्रा बा ज्ञान मिश्रा भक्ति जाजनकारी, जो लोग ज्ञान मिश्रा भक्ति कर्म मिश्रा भक्ति करते थे, ये लोग अगर तकदीर अच्छा है तो भक्त लोगों का संग हो जाए तो भक्ति करना इसका लिए असंभव कुछ नहीं है। अगर अपराध नहीं है तो भक्ति करना शुरू कर दे। ऐसा करके भगवान ने व्याख्या किया। और भक्ति ऐसा ऊंचा विचार है भक्ति का, जब भक्ति का सामने भगवान कुछ नहीं मांगता है। भक्ति अगर भक्त के अंदर में भक्ति है बस काफी, और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए भागवत जी महापुराण में ये भी प्रमाण है जे भगवान कह रहे हैं कि उद्धव के सामने, उद्धव नौ तथा में प्रियतमो आत्मजनिर न शंकर न च शंकरसनो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवानो। समझा? भारती महाराज अक्सर ये श्लोक कहते थे। न तथा में प्रियतम आत्मजनिर ब्रह्मा भी इतना प्रिय नहीं, शंकर भी इतना प्रिय नहीं, न तथा में प्रियतमो आत्मजनेर न शंकर न च संकर्षण हो, संकर्षण भी इतना प्यारा नहीं है मेरा बड़ा भाई, न श्री लक्ष्मी भी इतना प्रिय नहीं है, न श्री नैवात्मा, मैं अपना मैं मेरा जो शरीर है मैं अपना उतना प्यारा नहीं हूं। शरीर नैवात्मा च यथा भवान, मतलब न तथा में प्रियतमो आत्मजनिर न शंकर न च संकर्षणो न शरीर नैवात्मा च यथा भवानो, उद्धव तुम जैसा मेरा प्यारा हो उतना प्यारा कोई नहीं है, लक्ष्मी भी इतना प्यारा नहीं है, संकर्षण आत्मजनि ब्रह्मा शंकर कोई भी नहीं। इसीलिए तो उद्धव जी मांगा है भगवान के सामने चरण का धूलि का उपदेश है। उद्धव जी महाराज आशा मोह चरण रेणु जुषा महम साम, ये श्लोक चर्चा करना जरूरी है। और एक बात उठाया था मैंने, कोई अगर ऐसा व्याख्या करे जो महाराज गीता में लिखा है, जे अगर कोई खराब काम भी करे मेरा भजन कर रहा है तो उसका लिए कोई असुविधा नहीं होगी, ऐसा अगर कहे ठीक नहीं। ये हमने व्याख्या करके रख दिया कि नाम अपराध नाम बल नाम के पावर पर अगर हम करते चले तो ये नाम अपराध में बदल जाएगा, कभी भी नाम नहीं उदय होगी, हरिनाम नाम, और मुश्किल ही मुश्किल। आगे चलकर 19 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि बहु नाम जन्म नामांत ज्ञान वानम माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमेति स महात्मा सुदुर्लभ। यहाँ भी एक विशेष है, यह भगवान ने बताया कि ज्ञानी भक्तों का महिमा बताया, देखो क्या अनोखा विचार है। बहु नाम जन्म नामांते बहु जन्म नामांते ज्ञानवान माम प्रपद्यते है, बहु नाम जन्म नामांते बहु जन्मों का बाद ज्ञानवान ज्ञान संपन्न व्यक्ति माम हमारा चरण में प्रपद्यते आश्रय ग्रहण करता है, वो जो अनुभव में लाता है कि सर्वम वसुदेवः, ये बड़ा रेयर है। बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वसुदेवः सर्वमेति स महत्तः सुदुर्लभः कहने का तात्पर्य है भक्तवृंद कह रहे हैं बहु जन्मों जन्म साधन करते तब ज्ञान लाभ होता है, अर्थात चैतन्य निष्ठ है। अर्थात कहने का मतलब है ये जड़ वस्तु में उसका आकर्षण हट जाता है, ये लड़की लड़का सब जो कुछ भी है, जायदाद जमीन जायदाद सब कुछ भी है, ये जड़ वस्तु है, चेतन का अधिष्ठान होने के कारण ये मीनिंगफुल लगता है, लेकिन असली बात तो ये इसका मीनिंग नहीं है अगर भगवान में नहीं लगा तो। जीव साहब सारे जीव अनंत जीव बहु जन्म भजन करते करते ज्ञान लाभ करता है उस, किंतु ज्ञान क्या है, चैतन्य निष्ठ है, अर्थात जड़ वस्तु से चेतन को अलग करके समझने का एक क्षमता अंदर में पैदा होता है। चारों ओर देखे तो अनुभव में आता है ये सब जड़ वस्तु है और कोई कीमत है नहीं इसका, कम से कम ये होता है क्योंकि वो चैतन्य निष्ठ है। तमाम जीव बहु जन्मों ऐसा करते करते परिश्रम करते करते ज्ञान लाभ करे, अर्थात चैतन्य निष्ठ हो जाता है, चेतन वस्तु को जड़ वस्तु से अलग करके समझने का एक क्षमता पैदा होती है। चैतन्य निष्ठ हो, बात चेतन वस्तु को अलग करके देखने का जो क्षमता है, ये जो अपना अंदर में एक पावर आया, इस पहले अवस्था जो है चैतन्य वस्तु चेतन वस्तु को समझने का कोशिश कर रहा है, उसका प्रिलिमिनरी स्टेज जो है इसमें जड़ों तक जड़ो वस्तु का अंदर थोड़ा बहुत नफरत आ जाता है, जड़ो वस्तु का ऊपर चित भावना में आता है, चैतन्यनिष्ठ होता है। लेकिन चैतन्यनिष्ठ होने से पहला स्टेप है थोड़े दिन पर वो अद्वैत भाव अवलंबन कर लेता है, क्योंकि उसमें जड़ वस्तु को घृणा दृष्टि में देखता है, नफरत करता है। और जब जड़ो विषयों का ऊपर उदासीन हो जाता है, जड़ो विशेष से छुटकारा मिलता है उसको, जड़ियों विशेष प्रति घृणा युक्त हो, जड़ियों विशेष का प्रति घृणा प्रयुक्त विशेष धर्म प्रति उदासीन भाव पैदा हो गया, निष्कर्म भाव पहले आएगा। फलो जो चैतन्यनिष्ठ होने का बाद पहले जो जड़ोकालीन जो कियत परिमाण अद्वैत भाव अवलंबन करे, और तब जड़ियों विशेष प्रति घृणा प्रयुक्त हो जाता है, विशेष धर्म का प्रति उदासीन हो जाता है। चैतन्य धर्म में थोड़ी दिन तक चैतन्य धर्म में अधिष्ठित होने से थोड़ी दिन तक चैतन्य धर्म में अवस्थित होने से चैतन्य जो विशुद्ध विशेष धर्म अर्थात प्रेम धर्म ता समय में आता है। इस समय लोग अनुरक्त हो जाता है, चैतन्य महाप्रभु के जो विशेष धर्म चैतन्य धर्म प्रेम धर्म में अनुरक्त हो जाता है। अनुरक्त होने का बाद परम चैतन्य रूप जो मैं हूँ चैतन्य वस्तु, इसमें प्रपत्ति स्वीकार कर लेता है। इस समय उसका अंदर में ये भाव पैदा होता है कि जो जड़ जगत स्वतंत्र न है, जड़ जगत कोई स्वतंत्र नहीं है, भगवान चैतन्य रूप में सारे वस्तु में अधिष्ठित है, तब इसका वैल्यू है। सो जड़ जगत स्वतंत्र नहीं है, चैतन्य वस्तुर एक हेय प्रतिफलम परवर्टेड विकृत प्रतिफलन है, यही मात्र इसमें वासुदेव संबंध है। सर्वम वासुदेवम, सर्व वासुदेवमय है, ये अनुभव में आता है। सर्व वस्तु में व्यक्ति में वासुदेव संबंध है, ये विचार में उतारता है। अतएव इसीलिए समस्त वासुदेवमय ऐसा मापिक जिसका हृदय में पैदा हुआ है भाव, ये महत्ता सुदुर्लभ है। बहूनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स्वमहत्ता सुदुर्लभ। ऐसा मापिक भक्त जो है सुदुर्लभ है, ये मिलना ये कहाँ मिलेगा, ये सब ऐसा किस्म का भक्त मिलना बहुत मुश्किल है, कहाँ मिलेगा। बहुत सारे उदाहरण उन्होंने दिया भी है। स्वमहत्ता सुदुर्लभ बहूनाम जन्म नामांते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स्वमहत्ता सुदुर्लभ। चारों ओर वसुदेव भगवान का उपस्थिति का महसूस होता है, सबसे बड़ा चीज ये है। बहु जन्म बाद ऐसा सुयोग उपस्थित होता है। आगे चल के भगवान कह रहे हैं कि कामय स्तय स्तय हितो ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता त्वां नियमम अस्थायो प्रकृत्वा नियतया सया कामय स्तय स्तैर हृतो ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता त्वं त्वं तम न्योमस्थायो प्रकृता न्योतया स्वया। ये अलग अलग कामना का वशीभूत होकर कामाहत तो व्यक्ति, काम में विमोहित तो व्यक्ति दूसरा देवदेवता का अर्चन करना शुरू कर दे। त्वयि स्तयि कामयि स्तयि स्तयिर हृतज्ञाना, काम के द्वारा मोहित चित्त हो गया, सोचा कि शंकर जी भगवान जरूर देंगे और देवी मैया जरूर देंगे, ऐसा करके एक एक देवता गणपति देवता जरूर देंगे, ऐसा करके एक देव देवता का चरण में अपना निष्ठा लगा देते हैं। भजन करना कामय स्तयि स्तयिर हितो ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। दूसरा दूसरा देवता लोग अर्चन शुरू करे, पूजन शुरू करे, उपवास शुरू करे। त्वं त्वं नियमम आस्थायो प्रकृत्वा न्योता स्वया। ऐसा ऐसा कामना वासना के द्वारा मोहित होकर अपना याददाश्त खो बैठता है, हतोज्ञान हो जाता है। ये सब व्यक्ति वो देवता, ऐसा किस्म का देवता लोगों का रेस्पेक्टिव देवता का अर्चन सही देव आराधन शुरू कर देता है। नियम अवलंबन करके निष्ठा नियम उसी का मुताबिक, निष्ठा नियम उसी का मुताबिक चलाते रहते। एंड सौ प्रकृति अपना जो प्रकृति है, अगर तमोगुणी है तो तमो प्रकृति है, रजोगुणी है तो रजो प्रकृति प्रेडोमिनेटिंग है, सतोगुणी सभी सब पूर्व स्व स्व प्राकृत स्व प्रकृति, अपना प्रकृति कैसा है इसी के मुताबिक दूसरा दूसरा देवता समूह के भजन करना शुरू कर दे। ये लोग का काम ही ये है, ये लोगों का काम ही ऐसा है, दूसरा देवदेवता का अर्चन कर शुरू कर दे, भगवान का भजन छोड़ दे। ऐसा कहते त्वयि स्तयि कामयि स्तयि स्तयिर हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता त्वं त्वं नियमम आस्थाय प्रकृत्वा नियता सया। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि आरती व्यक्तिगण जब कैसा आरती व्यक्तिगण आर्तो व्यक्तिगण आरती रखने वाले जो व्यक्ति है, आर्तो व्यक्तिगण काम कसाय सुन्न होके भक्ति आचरण करना शुरू कर देता है। जब तक कसाय अंदर में रेड मार्किंग ऑफ काम कसाय विगत तो नहीं हो जाता, क्लियर नहीं होता, तब तक ये लोग स्वस्वभाव बहिर्मुख, स्वाभाविक रूप से ये बहिर्मुख है, कामी होके भी कामना वासना है अंदर में, लेकिन कामी होके भी अगर ये लोग हमारा स्वरूप को आश्रय करता है, भगवान कर रहे हैं कि अगर मेरा स्वरूप के आश्रय करता है, आश्रय करे और अपना बहिर्मुख वृत्ति को बिल्कुल कोई सुयोग नहीं दे रहे, कामी होके भी जो लोग अपना स्वरूप को आश्रय कर विमुख भाव को परित्यक्त, विमुख भाव को कोई प्रश्रय नहीं दे, प्रश्रय में इंडल्जेंस, विमुख भाव आना शुरू करे फिर भी उसको फेंक दे, अवॉइड कर दे। लिखा हुआ भक्ति में ठाकुर कामी होके भी अगर ये लोगों का अंदर में ऐसा अगर भावना है कि स्वरूप के आश्रय करके ये लोग अपना अंदर में बहिर्मुख भाव को बिल्कुल इजाजत नहीं देते, सम्मान नहीं करते, तो थोड़ी सी समय में अल्प समय हम मैं अति अल्प समय के अंदर इसका काम हटा लेता हूं। लेकिन जो लोग हमसे बहिर्मुख एवं काम के द्वारा हतोज्ञान होके शीघ्र क्षुद्र फल लाभ करने के रिजल्ट बहुत सामान्य चीज लाभ करने के लिए क्षुद्र लाभ के लिए सही सही देवता लोग का आराधना करे, देवता लोग को उपासना करे, ये लोग विशुद्ध स्वरूप हमको कभी प्यार नहीं करते। हमारा जो श्याम सुंदर स्वरूप इसमें ये लोग का प्यार नहीं है, ताल्लुकात नहीं है। सो अपना अपना संस्कार के अनुसार कोई तामसिक है, कोई राजसिक है, कोई सात्विक है। जिस कारण ये लोगों का तामसी राजसिक सात्विक प्रकृति के द्वारा चालित होकर ये लोग सामान्य सामान्य क्षुद्र क्षुद्र बहुत सामान्य सामान्य लाभ पूजा के लिए क्षुद्र नियम बनाकर ये लोग ऐसा देवता लोगों को आराधना करना शुरू करते। ये लोग का स्वभाव है, ये लोग का स्वभाव है, पेशेंस ही नहीं है, ये लोग का स्वभाव है ऐसा। क्या करूं, और काल चर्चा हो पाएगा इस विषय में। अगला श्लोक जो जंग जंग तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुम मिच्छति तस्सो तस्याचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधामि अहम। भगवान कह रहे कि देखो मैं ही देता हूं। जो जंग जंग तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुम इच्छति, कौन कौन देवता का अर्चन करने का इच्छा होता है, अगर ये लोग का अर्चन करना शुरू कर देवता लोगों को, तो मैं क्या करता हूँ, जो जंग जंग तनुम, सपोज करो कि शिव जी, गणेश जी, सूर्य भगवान और देवी मैया, कुछ भी, जो जंग जंग तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुम इच्छति, जो श्रद्धान्वित तो होकर जब सेवा करने की इच्छा रखता है, तशो ये लोगों के लिए तस्याचलाम श्रद्धा, तशो इसका लिए अचला श्रद्धा मैं दे देता हूँ। तस्सो तस्याचलाम श्रद्धाम त्वामेव विदधामि अहम। इसका कोई चिंता नहीं, इसके अंदर मैं ही सब दे दूँ। श्रद्धाम तमेव विदधामि अहम, इसका जो श्रद्धा है वो भी मैं पैदा कर देता हूँ, क्योंकि मैं छोड़ के, अध्याय ज्ञान छोड़ के तो कुछ है ही नहीं। भले ही वो लोग उल्टा चिंता करें, जैसे शंकर भगवान का अलग अस्तित्व है, देवी मैया का अलग, लेकिन मैं छोड़ के तो कुछ नहीं है। मेरे को छोड़कर कुछ नहीं है दुनिया में, क्या है कुछ बताओ। तो ठीक है, इतना बुद्धू है, बोका है, तो ठीक है, चलो इनडायरेक्टली बाद में भगवान बताएंगे। तो ये लोग अविधि पूर्वक मेरा ही अर्चन कर रहे हैं। लेकिन ये श्लोक में बताया जो जांग जाम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्सो तस्याचलाम श्रद्धाम तमेव विदधामि अहम। आई बात समझ में। सौमिग्रह सेवसाम हेतु पंथा संतापवर्जिता अनवाप्त समम पूर्वे जेनो संत प्रतस्थिरे श्रुति स्थिति पुराणादि पांचरात्र विधि बिना वैकांतिकी हरेर भक्ति रुत्पातैव कल्पते वांछा कल्पतरुषि के बासिंद पतितानं पावनेभ्यो नमो।